समझिएगा, मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड्स टू अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक मोटर कार रेस्ट से स्टार्ट होती है और फिर 10 सेकंड तक लगातार उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है ठीक है। इट दैट रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर वो कुछ टाइम तक कांस्टेंट स्पीड पर चलती है एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब उसको लास्ट वाला जो लैप है, मतलब तीन लैप में पूरी जर्नी को जो है डिवाइड कर दिया गया, तो जो लास्ट वाला लैप है उस लास्ट लैप में वो कार 40 मीटर चलती है और पर फाइनली वो रेस्ट में आ जाती है। तो आप जरा देखिएगा इसमें, मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा कि ये शुरुआत में इसको हम बोल देंगे लैप वन, इसको बोल देंगे लैप टू और इसको बोलेंगे लैप थ्री। तो तीन लैप्स हैं टोटल। तो मैं पहले लैप वन की बात करता हूं, तो देखिएगा लैप वन में क्या होगा, अ मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यू क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड्स, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 10 seconds, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meter per second. तो v कितना है 20 meter per second. v है, u है, t है और finally देखिए उन्होंने पूछा क्या है, find the value of acceleration, retardation and total time taken. तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये equation लगाता हूँ, इसको t1 बोल दीजिए। t1 क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे टोटल टाइम टेकन बताना है, तो मैं लैप वन के टाइम को टी वन मानूंगा, लैप टू के टाइम को टी टू मानूंगा, लैप थ्री के टाइम को टी थ्री मानूंगा और टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री मेरा टोटल टाइम टेकन आ जाएगा पूरी कंप्लीट जर्नी का। तो देखिएगा भाई, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू यू प्लस एटी, कितना है 20, कितना है 0, एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है और टाइम कितना है 10, तो 10 is equal to 20, तो a is equal to आ गया 2 meter per second square। एक तो ये चीज इन्होंने पूछी थी, ये सारी समझ में आया था, 3 लैप्स में कैसे बैठ गए जी, 3 लैप्स में कैसे बैठ गए ये समझ में आया, दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया 3 लैप में कैसे डिवाइड हो गया, ये समझ नहीं आया सर 3 लैप में कैसे डिवाइड हो गया। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, अ मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड्स टू अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक मोटर कार रेस्ट से स्टार्ट होती है और फिर 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन होता जाता है उसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ती जाती है, कब तक, जब तक उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला लैप हो गया। फिर क्या लिखा है, इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर वो कुछ टाइम तक कांस्टेंट स्पीड पर चलती है। इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड। फिर उन्होंने बोला एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि पहला लैप क्या हुआ एक्सेलरेशन वाला, दूसरा लैप क्या हुआ कांस्टेंट स्पीड वाला और तीसरा लैप है फाइनल लैप, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब जब वो रेस्ट में लाया जा रहा है तो वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो रिटार्डेशन होगा, पता ये समझ गए? ओके सर। तो ये तीन लैप हो गए। अब मैंने लैप वन में एक्सेलरेशन तो लैप वन में ही हो रहा है, तो वो हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मैं लैप टू की बात करूंगा सर, ये होमवर्क में दे दीजिए, काम करना है थोड़ा अभी, बस अभी फिनिश ही हो रहा है, अभी फिनिश ही हो रहा है 5 मिनट में। ओके सर, तो हां लैप टू ज्यादा अर्जेंसी तो नहीं है ना, बस 5 ही मिनट में कर रहा हूं फिनिश, ठीक है सर, ठीक है। तो लैप टू जो है, लैप टू में हमारा क्या है, लैप टू में एक्सेलरेशन नहीं होगा कुछ भी क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो ए हो गया 0 और जो लैप 1 में जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब u कितना हो गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। और अब एक चीज का ध्यान रखना है,
ये जो लैप वन था, लैप वन का डिस्टेंस निकाल लो एस वन, यूटी वन प्लस हाफ एटी वन स्क्वायर, दिखाई दे रहा है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यूटी वन प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कितना है जीरो इंटू टी वन प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना था टू आ गया, इंटू टाइम कितना 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 मीटर का पहला लैप है, ये जो लास्ट लैप है, ये लास्ट लैप है 40 मीटर का, बताइए तो बीच वाला लैप कितना हो गया 60, हाँ 500 मीटर, टोटल डिस्टेंस है 640 मीटर, इन्होंने लास्ट लैप का बताया एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि 40 मीटर तक चल के वो रुकता है लास्ट में आके, तो लास्ट लैप तो हो गया 40 मीटर का, फर्स्ट लैप हमारा हो गया 100 मीटर का क्योंकि मैंने फर्स्ट लैप का डिस्टेंस निकाल लिया, तो टोटल डिस्टेंस 640 है, तो बीच वाला 500 बचा, क्लियर है सभी को? सब ऐसे क्यों निकाला है? अभी बता रहा हूँ ना, लैप टू में मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो है, यू 20 मीटर पर सेकंड है, तो बीच वाले लैप का हमने एस निकाल लिया कितना है 500 मीटर, और मुझे इसके लिए टाइम निकालना होगा, तो T2 is equal to what? तो S है, U है, A है और T कैलकुलेट करना है, तो भाई सेकंड इक्वेशन S is equal to UT2 plus half AT2 square, 500 is equal to U कितना है 20, और T2 मुझे नहीं पता कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू T2 का स्क्वायर, ये तो खत्म हुआ, तो 20 T2 इज इक्वल टू 500, T2 आ गया 25 सेकेंड्स, समझ गए? अब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट स्पीड है, तो इसका मतलब यहां पर भी इसकी स्पीड इतनी ही होगी 20 मीटर पर सेकेंड। लैप थ्री में आ जाइए, लैप थ्री में हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड, लैप थ्री में डिस्टेंस जो है वो है 40 मीटर, और ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है रिटार्डेशन की, और फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, इसका मतलब v इज इक्वल टू 0 है, तो v u a s कौन सी लगाऊं, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 * a * 40, तो 80a इज इक्वल टू -400, 5 हो गया, a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, मेरे पास s है, u है, a है, तो हम क्या करेंगे भाई, सेकंड इक्वेशन लगाकर टाइम और निकाल लो जरा, ये टाइम निकालना है, तो एक मिनट, सेकंड इक्वेशन मतलब हो फर्स्ट इक्वेशन का, उसमें स्क्वायर करना पड़ता है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, इट इंप्लाइज दैट v कितना है 0, u कितना है 20 प्लस a कितना है -5 * t3, तो t3 की वैल्यू आ गई 4 सेकंड्स, रिटार्डेशन ये हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, मैं यहां लिख रहा हूं, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3, तो t1 हमारा कितना आया था पहला वाला 39 सेकंड दे रखा था 10 सेकंड, और t2 हमने कितना निकाला है 25 सेकंड, और t3 आया है 4 सेकंड, 39 सेकंड्स, सभी को समझ में आ गया? यस yes.
चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, और कल क्लास होगी आपकी दोपहर में 1 बजे, ठीक है सर? 1 बजे सर? हाँ बताओ सर, क्लास सर 12 बजे हो सकती है? अरे 12 बजे बहुत गर्मी होती है, 12 बजे नहीं 1 बजे रख लो प्लीज सर। नहीं सर, सर धूप में नहीं बैठते हम। अरे 1 बजे कोई प्रॉब्लम है क्या ये बताओ सर? चलो ठीक है ठीक है, वो मैंने 2 बजे का टाइम रखा है तो मेरी लगातार वो ओके सर में क्लास हो जाएगी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को 1 घंटे बीच में वेट करना पड़ेगा। ओके सर ठीक है, चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय सर। सुबह 8 बजे क्लास होगी? बाय सर। आप कुछ बोल रहे थे सर? 8 बजे क्लास होगी? अच्छा हाँ, नहीं कल सुबह 8 बजे नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके थैंक यू सर। ओके।